एक्सक्यूज मी, यस, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ यार। अरे जाए यहाँ से। अरे बन जाओ यार प्लीज यार। तुझे बॉयफ्रेंड बनाने से अच्छा जहर खा के ना मर जाओ। लड़कियाँ होती है ऐसी, है मर जाएंगी पर किसी गरीब का भला नहीं करेंगी। दोस्तों फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा कंटेंट के बारे में बताने वाला हूँ जिस कंटेंट को अगर आप क्रिएट करते हैं तो पर मंथ आप लाखों अर्निंग कर सकते हैं और वन मंथ में ही अपना चैनल आप मोनेटाइज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आप सुने हैं, एक ऐसा कंटेंट है जिस कंटेंट का नाम है रिएक्शन वीडियो। ठीक है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा रिएक्शन वीडियो अभी का टाइम में काफी ज्यादा चल रही है, काफी ज्यादा ऑडियंस उसको देखते हैं क्योंकि वो फनी कंटेंट होते हैं और फनी कंटेंट सबको देखना पसंद होता है। वैसे भी रिएक्शन वीडियो जो होता है शॉर्ट वीडियो होती है और शॉर्ट वीडियो काफी ज्यादा वायरल होती है, आपको पता ही होगा, और इसी कारण बस इस वीडियो पर काफी ज्यादा व्यूज आती है। अगर आप अपने YouTube चैनल पर रेगुलर काम करेंगे तो आप अपने YouTube चैनल को वन मंथ में मोनेटाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा वायरल होती है, आप बहुत ही जल्दी क्रिएट या कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ जो रिएक्शन वीडियो को आप कैसे शूट कर सकते हैं, कैसे उसे एडिट कर सकते हैं और कहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि एक चैनल है YouTube पे गैज, जो आपको मैं इस शर्ट में स्क्रीनशॉट लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से चलिए मोबाइल फोन लेंगे और यहाँ से हम सर्च कर लेंगे ज्योति मिष्टी। यहाँ पे देखिए ज्योति मिष्टी सर्च कर लिए। ठीक है, यहाँ पर शर्ट में देखिए दोस्तों ये चैनल आ चुका है। ठीक है तो दोस्तों इसका जो वीडियो आप जितना भी देखिएगा ना, इतना फनी वीडियो होता है और इतना यदि व्यूज इसके चैनल पे आता है उसके जवाब नहीं हुआ। और इसका चैनल जो है सो मोनेटाइज भी है और काफी ज्यादा जो है सो ये अर्निंग भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस वीडियो के नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे थैंक्स का बटन लगा हुआ है। ठीक है तो ये चैनल मोनेटाइज रहता है, आपको पता ही होगा जिस जो चैनल मोनेटाइज रहता है उस पे ही थैंक्स का बटन जो है सो ऑन होती है। ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चैनल मोनेटाइज है। ठीक है, आपको ये विश्वास हो गया। और दूसरी बात मैं दोस्तों आपको बता दूं जो इस टाइप के वीडियो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, जैसे कि ये क्रिएट कर रही है और इसके जैसे वीडियो है बहुत ऐसे लोग जो है सोचते हैं कैसे क्रिएट करेंगे। और हमारे भी वीडियो पे काफी ज्यादा कमेंट भी आई थी जो इस टाइप के वीडियो कैसे क्रिएट करेंगे, इस पे वीडियो आप लाइए और इसी कारण से इस पे वीडियो लाए। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट ये जानकारी देने वाला हूँ जो आप इस टाइप के वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, कहाँ से इस टाइप की वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने चैनल पर आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। ये सारी वर्क आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, बस इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो का लास्ट में आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जिस पॉइंट को कोई लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप उस पॉइंट के कारण क्या होता है इस टाइप के वीडियो क्रिएट करते हैं और उस टाइप के वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं या स्ट्राइक आ जाते हैं और उसके चैनल डिलीट भी हो जाती है। मतलब ऐसा गलती बहुत ऐसे लोग हैं जो करते हैं, इस टाइप के क्रिएट करते हैं तो। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको उस गलती के बारे में बताएंगे जो आपको नहीं करना है। पहले चलिए हम आपको वीडियो क्रिएट करना सिखाता हूँ जो कहाँ से आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा जो आप कौन सा गलती नहीं करेंगे जिससे आपके चैनल परमानेंट बना रहे और आप अपने चैनल से अर्निंग कर सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सबसे पहले आपको मैं बता दूं वीडियो आपको शूट कैसे करनी है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शूट कर लाना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपना फोन ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए ये फोन है। ठीक है, इस फोन को करिए कि यहाँ पे कैमरा ऑन कर लेंगे और इस टाइप से हम रिएक्शन वीडियो करेंगे, रिएक्शन दे देंगे वीडियो को, पहले शूट करके रख लेंगे कुछ सेकंड की। ठीक है, उसके बाद जो वीडियो हम डाउनलोड करेंगे उस वीडियो को हम एडिटिंग करते समय जो है सो डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम दिखा देता हूँ जो कैसे आपको रिएक्शन करना है। वैसे तो हमें खुद भी रिएक्शन नहीं देना होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं जो कैसे इस पर रिएक्शन दे। ठीक है, अगर आपको इससे अच्छा हो अच्छा आप रिएक्शन दीजिएगा। ठीक है, जिससे आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है और चलती है। ठीक है, तो आपको रिएक्शन कैसे देना देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों देख ले, इस तरह से आपको जो है सो रिएक्शन देना है। यार इससे अच्छा होगा आपको तो आप अच्छा दे सकते हैं। ठीक है, हमको इतना ही हुआ यार। ठीक है, रिएक्शन वीडियो हमसे खुद ही अच्छा से क्रिएट नहीं होता है, लेकिन आपको हम बहुत ही अच्छे ढंग से क्रिएट करना सिखा सकता हूँ और रिएक्शन अच्छा ढंग से और दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद रही बात एडिटिंग करने की, कहाँ से वीडियो मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ कैसे एडिटिंग करेंगे, कैसे आप अपने वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कैसे आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये सारी चीज़ें। और दोस्तों फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आप उस गलती को कर बैठेंगे और आपके भी चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी। ठीक है, तो मेहनत आपका कई भैंस पानी में। ठीक है, इसलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देख ही लेना है, अच्छे ढंग से आपको प्रॉपर ढंग से वीडियो को देखना है, जिससे आपको क्या होगा वीडियो एडिटिंग करने में भी हेल्प होगी, अच्छे ढंग से आप सीख भी जाएंगे और जो गलती आप कर बैठेंगे वो गलती भी आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो एडिटिंग करने से पहले चैनल पर अगर आप नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके और को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं कैनमास्टर एप्लीकेशन पे और वहां पे आपको मैं दिखाता हूं इस प्रकार से आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको कैन मास्टर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एडिट करके यहाँ पे हम ऑलरेडी रखे हैं, लेकिन आपको हम फिर से स्टार्टिंग से यहाँ पर दिखा देते हैं जो कैसे एडिटिंग किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं अभी ना, इसी तरह से सेम आपको एडिटिंग करना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको स्टार्टिंग से दिखाते हैं जो कैसे आपको एडिटिंग करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको क्या करना है, सबसे पहले 9.16 वाला रेस्क्यू आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये शॉर्ट वीडियो इस फ्रेम में बनता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको भी क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे मीडिया पे चलना होगा और यहाँ पे चलने के बाद यहाँ से आपको इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कोई भी कलर का। यहाँ पे हम ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे अपने वीडियो का रेस्ट्यू जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा इसको हम क्या करेंगे, खींच के बना देंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वीडियो लगभग जो है सब ये आपको हम इतना बड़ा बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इतना बड़ा इशू कर लेंगे, यहाँ पर देख लीजिए हो गया। उसके बाद अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जो वीडियो आप डाउनलोड करके रखे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस वीडियो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। आप जो भी वीडियो डाउनलोड करके रखे होंगे वो वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा दोस्त, अगर जो भी वीडियो आप डाउनलोड किए हैं अगर उस पर वाटरमार्क कुछ भी रहेगा तो उसको सबसे पहले तो आपको क्रॉप कर देना है, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो आपको नहीं क्रॉप करना है, ठीक है। तो हम जैसे कि इस वीडियो पर है तो यहाँ पर आपको हम क्रॉप करके दिखा देते हैं, ठीक है, जो कैसे किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इस यहाँ से बैक चलेंगे और इसको क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से इस साइड में यहाँ पे हम सेटिंग कर देंगे और थोड़ा जूम कर लेंगे इतना बड़ा, ठीक है, यहाँ पे कर लिया। और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइड में सेटिंग कर दिए, ओके। तो इसी प्रकार से आपको भी क्या करना है, इसको जो है सेटिंग कर लेना है, ठीक है। सेटिंग करने के बाद अब आपको करना क्या होगा, इस इधर आना है। इधर आने के बाद यहाँ भी एक वाटर मार्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे वाटर मार्क वाला वीडियो इसलिए आपको हम सेलेक्ट करके दिखा रहे हैं जिससे आप क्रॉप करना सीख जाए, ठीक है। लेकिन आपको वाटर मार्क वाला वीडियो डाउनलोड करना ही नहीं है, ओके। आपको क्या करना है, बिना वाटर मार्क वाली वीडियो डाउनलोड करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम इस वीडियो को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा थोड़ा बड़ा है तो बैकग्राउंड क्या करते हैं, वीडियो के बड़ा ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इधर आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो क्या करेंगे, हम बीच फ्रेम में अच्छे ढंग से सेटिंग करेंगे, जैसे कि हमको बीच में रहना है। यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे, एक वीडियो जो है सो अपना सेलेक्ट कर लेंगे जो वीडियो हम यहाँ पे शूट करके रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, उस वीडियो को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम कहाँ गया मेरा वीडियो, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वीडियो है, ठीक है। ये वीडियो का जो वही है जो वीडियो जो अभी हम आपको शूट करना बताए थे, ठीक है, जो कैसे शूट किया जाएगा, ठीक है, वही है। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि जो है सो यहाँ पे हम क्रॉप नहीं करेंगे तो ये बनेगा ही नहीं अच्छा, ठीक है, क्योंकि हम वीडियो अलग से शूट नहीं किए हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको शूट करते वक्त ही 9.16 वाला रेस्ट्यू सेलेक्ट कर लेना है जिससे आपको क्रॉप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो हम क्रॉप कर रहे हैं इसलिए जो हमको क्रॉप करना पड़ा तो क्या करेंगे दोस्तों, इसलिए हम जो है क्रॉप कर ले, ठीक है। तो आपको नहीं करना पड़ेगा, आप जो है ना शूट करते वक्त अच्छे ढंग से आपको 9.16 वाला रेस्ट्यू में सेलेक्ट करना है। चलिए हो गया क्रॉप। अब इसे क्या करेंगे, इस प्रकार से हम जूम कर लेंगे। यहाँ पर जूम करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सेट कर देंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। जितना बड़ा हमारा वीडियो है उतना बड़ा सेम हमको क्या करना है, इसको रखना है, ठीक है। उससे थोड़ा भी ज्यादा अगर हो जाएगा तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसको आपको लंबा नहीं करना है, आपको सेम बराबर रखना है जिससे रियली लगे, ठीक है। अब सेट करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं जब अपने वीडियो हम कहाँ से इंप्रेशन डालना स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, वहाँ से जो है सो हम रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से इंप्रेशन चालू हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके जो है सो हम वीडियो को कट कर लेंगे, यहाँ पर चलेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। कट करने के बाद अब क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है सो इस प्रकार से आपको खिसका के स्टार्टिंग कर देना, ठीक है। अब आपको लास्ट में जो आपका पार्ट है वीडियो का, ठीक है, इसको क्या करना है, इस प्रकार से जो है सो इसे भी कट कर लेना है। यहाँ पर कट कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना है दोस्तों, आपको कट करके जो है इस प्रकार हो गया है रेडी, आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओनली आपको यहाँ पर जो ये पट्टी है ना, जो आपके वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे और आपके वीडियो पे इंगेजमेंट उसी से बढ़ता है। वो पट्टी कैसे बनाएंगे वो भी आपको मैं अभी जस्ट बताऊंगा, आप जरूर इस वीडियो को कंप्लीट देखिए तो ही समझ पाएंगे, ठीक है, जिससे आपके वीडियो वायरल हो सके, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन पर चलना होगा। तो चलिए यहाँ से हम बैक चलते हैं और पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर
चल गए और यहाँ से पिक्सल ऐप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है सो देख सकते हैं ये पिक्सल ऐप ओपन हो गया। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पहले का थंबनेल था वो यहाँ पर अवेलेबल है अभी वर्तमान में। इसे क्या करेंगे, एक बार बैक चलेंगे तो यहाँ पर ये हट जाएगा, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आ गया, ठीक है। आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सो आपको इसे क्या करना है, रिमूव कर देना है सबसे पहले बात, ठीक है। रिमूव करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर चलेंगे और यहाँ से कलर पर चलेंगे और यहाँ से आपको व्हाइट कलर क्या करना है सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट पर चलेंगे और यहाँ से टेक्स्ट पर हम लिखेंगे जो भी कीवर्ड यहाँ पर आपको लिखना होगा, वो कीवर्ड यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे एक कीवर्ड यहाँ पर ऐड करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये कीवर्ड यहाँ पर हम जो ऐड कर लिए, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में ऐड कर लिया और इमोजी भी डाल दिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको भी सोच के अच्छे ढंग से जो है एक कीवर्ड यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका फॉन्ट थोड़ा जो है सो आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर ऐड कर लेना है। यहाँ पर चलिए हम इस पर क्लिक करेंगे फॉन्ट पे, और फॉन्ट पे चलने के बाद आपको यहाँ पर चलना होगा और यहाँ पर चलने के बाद आप जो है सो इस प्रकार से इस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉन्ट हम सेलेक्ट कर लिए हैं। इस प्रकार से आपको फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना अच्छे ढंग से, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपका कलर थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। यहाँ पे कलर पर क्लिक करेंगे और कलर पर क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर रेड कलर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हो जाएगा गाइज आपको पीएनजी में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अल्ट्रा पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये सेव हो चुका है। अब यहाँ से हम बैक चलेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैनमेटर एप्लीकेशन पर चलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आ चुके हैं। अब गाइज यहाँ पे करना क्या होगा, उसकी वर्ड को यहाँ पे हमको ऐड करना होगा। यहाँ पे क्या करें, लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करना होगा, आपको मीडिया पे क्लिक करना होगा और यहाँ से जो है सो हम ये पिक्सल ऐप पे चलेंगे और यहाँ पे मिल जाएगा हमको, ये देख सकते हैं मिल गया ना। इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से हम जूम कर लेंगे अच्छे ढंग से। यहाँ पे चलिए इसको हम पहले जूम कर लेते हैं अच्छे ढंग से। यहाँ पे इसको सेटिंग करेंगे ऊपर में, ठीक है। इसको और जूम कर लेंगे थोड़ा दोस्तों, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये जो है सो हम यहाँ पर फॉन्ट ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको भी खींच के इस प्रकार से जो है वीडियो जितना बड़ा है उतना बड़ा आपको कर देना है, ठीक है। इतना बड़ा कर दिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको भी करना है। और करने के बाद अब आपको करना क्या होगा, नीचे भी अगर आपको फॉन्ट लगाना हो, ठीक है, यहाँ पे भी तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आपको फॉन्ट जैसे अभी हम सिखाए हैं बनाना, उसी तरह से आप बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इमोजी आपको एक दो ऐड करना होगा। जैसे कि यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है सो हम क्या करेंगे, इमोजी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक दो इमोजी यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं अपने वीडियो में लगाने के लिए, जिससे हमारी वीडियो जो है अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस इमोजी को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इस वीडियो की यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको जूम कर लेंगे जिससे हमको एडिटिंग करने में थोड़ा अच्छा हो जाए, ठीक है। नॉर्मली अच्छा ढंग से हम एडिटिंग कर पाए। इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम सेटिंग कर देंगे अच्छे ढंग से, इसको रोटेट कर देंगे थोड़ा इस प्रकार से और यहाँ पर सेटिंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग करने के बाद अब आपको और थोड़ा इमोजी यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। इमोजी लगाने के लिए आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है सो हम इमोजी फिर से सेलेक्ट कर लेंगे। आपको भी क्या करना है, इमोजी इस प्रकार से डाउनलोड करके रखना होगा पहले से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम डाउनलोड करके रखे हैं ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे जो है सो हम सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी इमोजी इस प्रकार से डाउनलोड करके रख लेना है पहले से। दोस्तों यहाँ से ये वाला इमोजी एक हम ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर डालेंगे जिससे हमारे वीडियो और अच्छा ढंग से दिखे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लेंगे और इसे छोटा करके, छोटा करने के बाद इसको बीच में यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर रख दिए और यहाँ पर रखने के बाद हो गया वीडियो हमारा कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो थोड़ा अच्छा दिखने लगा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको भी क्रिएट करना है। और क्या करना है, इन दोनों को जो है इमोजी के भी आपको वीडियो के लेंथ जितना बड़ा है उतना बड़ा कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम इतना बड़ा कर लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भी कर लेना है और यहाँ पे इस पर भी क्लिक करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, इस प्रकार से हम बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब दोस्तों एक बार आपको हम प्ले करके दिखाते हैं जो ये वीडियो हमारे किस प्रकार के बना है, ठीक है। अब आपको अगर चाहेंगे आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप लगा सकते हैं अपनी वीडियो में, जिससे आपके वीडियो और अच्छे ढंग से दिखे, ठीक है। यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करके आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं, जो भी कैनमास्टर में दिया रहता है वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। तो आप चलिए एक बार आपको हम प्ले करके दिखाते हैं जो ये वीडियो किस प्रकार से बनी है। Excuse me. Yes. मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ यार। अरे जाओ यहाँ से। अरे बन जाओ यार, प्लीज यार।
तुझे बॉयफ्रेंड बनाने से अच्छा जहर खा के ना मर जाऊं। लड़कियां होती ऐसी है, मर जाएंगी पर किसी गरीब का भला नहीं करेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से आपको रिएक्शन वीडियो क्रिएट करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, इस प्रकार से आपको भी करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप एडिटिंग करना तो जरूर आप सीख लिए होंगे कि किस प्रकार से इस वीडियो की एडिटिंग किया जाएगा, किस प्रकार से जो है इस वीडियो को डाउनलोड किया जाएगा, कहाँ से क्या किया जाएगा, सारी चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऑल टू ऑल वर्क यहाँ पे आप समझ गए होंगे, बट यहाँ पे आपको उस पॉइंट को बता देता हूँ जिस पॉइंट को आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ, जो इस वीडियो जो आप क्रिएट करते हैं ना, रिएक्शन वीडियो जो बनाते हैं ना, तो इसमें होता क्या है, ये वीडियो दूसरे लोग का रहता है, आप दूसरे जगह से डाउनलोड किए रहते हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, अदर मतलब सोशल मीडिया अकाउंट से जो है सो आप डाउनलोड किए रहते हैं। तो ये वीडियो जो होता है अभी के डेट में ट्रेंडिंग में चल रही है, इसमें होता है क्या, बहुत ऐसे क्रिएटर होता है ना जिसका वीडियो आप लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो ऑनर होता है ना, तो बहुत ऐसे ऑनर ऐसा होता है जिसका वीडियो अगर आप यूज कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो खड़ा करते हैं, नहीं कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक कुछ भी नहीं देते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो आपके चैनल फटाक से जो है सो क्या करेंगे, कॉपीराइट स्ट्राइक दे देंगे, कॉपीराइट स्ट्राइक दे देंगे, तो आपके चैनल क्या होगा, चुटकी में जो है यहाँ पर डिलीट हो जाएगी, आपको ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको यही समझाना चाहता हूँ, इस टाइप की वीडियो आपको हम क्रिएट करना तो सिखा दिए, क्योंकि हम दोस्तों आप लोग का कमेंट इतना ज्यादा आ रही थी, प्लस काफी लोग का डिमांड भी था जो इस टाइप के वीडियो कैसे बनाया जाएगा, इसी कारणवश इसको हम वीडियो लाए। लेकिन आपको जो सही लाइन है, जो सही दिशा है, वो भी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। जो इस टाइप का अगर आप वीडियो बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं, बहुत आदमी पैसा कमा, यहाँ पर ज्योति मिष्टी भी जो है सो काफी ज्यादा जो है सो पैसा यहाँ पर अर्निंग कर रही है। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ एक और चैनल क्रिएट करने के लिए बोलूंगा जिसमें आपको अपना कंटेंट डालना है, जिससे होगी कि गाइज वो चैनल आपको खतरा में तो रहेगा ही हर समय, क्योंकि कोई भी स्ट्राइक दे सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। अगर दूसरा चैनल आपका रहेगा और उसी के साथ में ये भी चैनल ग्रो हो जाएगी, तो अगर उस चैनल पर कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है तो आपको एक चैनल बचा रहेगा, ठीक है। तो इसी कारण बस आपको हम ये बताए थे, जो आपको एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट को अब मैं बताने वाला था, जो आपको बताया हूँ, तो आपको एक और चैनल क्रिएट करना है और उस पर भी आपको अपना कंटेंट डालना है जिसपे आप हमेशा के लिए अर्निंग करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो फिलहाल गाइस ओके।